वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो में रिएक्शन देने जा रही हूं, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है दिस इज हाउ पाकिस्तानी मदरसा स्टूडेंट्स आर, और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जाने पर, देख लेते हैं ये वीडियो। अच्छा, दूसरी जानी पाकिस्तान में हिजाब को लेकर एक और ट्रेंड देखने में आया है। भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे सामने खड़ी हूँ इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, आपके सर पे दुपट्टा नहीं है भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? ठीक है भाई, तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? अब के औरतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, आज हम दुनिया में औरतों के साथ सलूक पर दूसरे बदतरीन मुल्क करार पाए हैं। लानत है तुम लोग पे, लानत। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। जमहूरियत है पाकिस्तान में, सुनते जाइए। नहीं, कोई जमहूरियत नहीं है। ये जमहूरियत के रूप में बदतरीन आमरियत है। एक दिन औरत बनके जरा बाहर निकलो पाकिस्तान में, सड़क पे निकलो तो तुझको पता चलेगा कि औरत के पास कितने राइट्स हैं। बाहर निकलो तो पीछे लड़के पड़ जाते हैं। पाकिस्तान में इज्जत, औरत की इज्जत इतनी महफूज है कि 7 साल की बच्ची को कब्र से निकाल के उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की जाती है। क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को कि ये है औरतों का तहफ्फुज, ये है औरतों के हकूक, ये किया जाता है यहाँ पे औरतों के साथ। अगर आपको औरतों की इज्जत का अभी नजारा करना है, राइट नाउ अभी मेरे साथ अनारकली बाजार का चक्कर लगा लें, अपनी आंखों से देख लें औरतों की कितनी इज्जत महफूज है। जरा सुनिए, इंडिया अपना जो सिक्का है वो दुनिया के अंदर मनवाड़ा है। भारत 20 साल इंतखाबात की जानिब आगे बढ़ा है, पता है ना आप सबको। पांचवा और आगे का जो टेन्योर है 5 साल का, वो मोदी को दिया जा रहा है, ये कहा जा रहहा है। ये औरत पागल हो गई है, वो आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है भाई? तुम्हारी पाकिस्तान के अंदर ये सब होता है कि चुनाव होने से पहले डिसाइड हो जाता है कि पीएम कौन बनेगा? ये हमारा हिंदुस्तान है, ये डेमोक्रेसी से चलता है, यहाँ पे लोग चुनते हैं अपने पीएम को, अपने सीएम को। तो थोड़े कायदे से बोला करो हमारे पीएम के बारे में और देश के बारे में। भारत में ये जो 19 अप्रैल से आम इंतखाबात शुरू हो रहे हैं, और अगर बीजेपी खुदा ना ख्वास्ता दोबारा इक्तदार में आई, तेरा क्या होगा कालिया? दुनिया के बड़े बड़े एम्बेसडर जो है वो इंडिया आकर कहते हैं वाओ भाई, इंडिया है तो सब कुछ है। इंडियंस डेफिनेटली, उन्होंने अपना तमाम फ्रंट्स उन्होंने अपने कवर किए, यानी पॉलिटिकल भी, डिप्लोमेटिक भी, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी, इंसर्जेंसीज भी, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी, इंफॉर्मेशन वॉर भी, उन्होंने हर एक्सेस कवर किया। अच्छा, ऐसी जीत को वीडियो गेम की जुबान में पता क्या कहा जाता है? परफेक्ट नॉकआउट। पाकिस्तानी लोगों से, मुसलमान लोगों से आपने अक्सर ये बात जरूर सुनी होगी कि इस्लाम में औरतों का दर्जा बहुत ऊंचा है, जबकि गवाही इनकी आदि मानी जाती है वो बात अलग है, इनको खेती समझा जाता है वो बात अलग है, लेकिन इस्लाम में औरतों का दर्जा बहुत ऊंचा है। तो कितना ऊंचा दर्जा है आज आपका भाई आपको दिखाएगा। आज तो मजा आने वाला है। एक मदरसे छाप और एक आम पाकिस्तानी में क्या फर्क होता है, ये आज आपको पता लग जाएगी। मदरसे छाप इस संसार पे सिर्फ बोझे 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 बोझे। तो मैं आपकी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ाता नहीं हूँ और सीधे चलते हैं पाकिस्तान। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया? आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो आपने क्यों? नहीं बहन, नहीं ब्लड, यू आर नॉट इन माय ब्लड रिलेशन, व्हाई यू टच मी विदाउट माय परमिशन? ये इस्लाम सिखाता है आपको? इस्लाम ने हमें कुरान नहीं ये सिखाता, ये पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? किसी की माँ? मैंने आपको अपनी ये आप अरेस्ट हो सकते हो इस बात में, आपको पता है? तैयार हूँ। ये सोशल हैरेसमेंट है, जो मर्जी है। कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है बताओ मुझे। अच्छा मुझे बताओ, पाकिस्तान में कितनी वीमेन है जो बुरखे में, और कितनी वीमेन जो दुपट्टे में है? हमारी वीमेन को दिखा दो। तो वो तो आपके घर का माहौल है, मैं अपने घर के माहौल से चलूं? ये भी ठीक है। पहली बात ये है कि आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैंने, मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा।
ये मदरसे साहब जहाँ भी होते हैं वहाँ अपनी बेइज्जती कराते हैं। इनके दिमाग में सिर्फ औरतें चल रही होती है, खाली फोकट का फितूर चल रहा होता है। और ये इसकी साक्षात मिसाल है कि लड़की खड़ी हुई है, लड़की के ऊपर दुपट्टा पहना रहा, दूसरे की माँ बहन को पहना रहा, भाई तेरे घर को तो जाके संभाल लो। और नहीं तो क्या? आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको? यही सिखाया जाता है? ये सिखाया जाता है आपको? हम में क्या हुआ था? एक लेडीज थी और जेंट्स बच्चों ने 400 थे, उन्होंने क्या किया? क्या औरत की इज्जत किया? क्या किया? पूरी दुनिया हंसी है। हाँ, क्या औरत की क्या इज्जत है? आपने जो किया आपने ठीक किया, जो ये कर रही है सबसे बेहतर कर रही है, समझे? लेकिन बीच में कुछ ऐसे हैं और कुछ नहीं है, समझ? ये भी देखे आप मदरसे से पढ़े हो? आपसे मैंने बात ही नहीं की। मदरसे से जो बच्चा पढ़ता है वो इसी तरह की हरकतें, हाँ वो जाहिर है इसी तरह। आप फलस्तीन क्यों नहीं जा रहे? क्यों आप क्यों नहीं जा रहे? हाँ क्यों नहीं जा रहे? जंग है ना, हम जाएंगे। सर ढक रहे हैं, उधर की तकलीफ क्यों नहीं आप जाए ना? मुसलमान उधर जाए, वो तो बुला बिल्कुल। नहीं नहीं गजा नहीं जाएंगे ये, ना 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 ना, वहाँ यहूदी गोली मार देगा इनको, ये क्यों जाएंगे गजा के अंदर? ये तो यहीं पाकिस्तान के अंदर औरतों के ऊपर दुपट्टे डालेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी पे हमें भेजती हैं? मैं जाने के लिए रेडी हूँ, करवाएं, आए अपने पैसों पे जाओ, अपने जज्बे। कौन कह रहा फ्लाइट ओपन है? फलस्तीन कोई भी नहीं कह रहा फ्लाइट। भाई जा रहे हैं गजा, इमदाद जा सकती है, गजा इमदाद जा सकती है, तो गजा आप भी जा सकते हैं। एक मिनट, इमदाद जा रही है कोई? जा रहा है यहाँ से किसी को? हुकूमत जा रही है? ज्यादा बॉर्डर खोले हुए नहीं आपकी हुकूमत फलस्तीन के साथ? नहीं हमें। फिर आप क्यों जा रहे हो जब हुकूमत साथ? हुकूमत साथ देना, हम तो साथ है ना उनके, हुकूमत। फिर अपील करो हुकूमत को, तो हुकूमत को कितने मेरे साथ क्यों लड़े? मैं तो करंट अफेयर पे बात कर रही हूँ कि ईरान और इसराइल के बीच जंग शुरू हो गई, ईरान ने हमला किया, अब इसराइल भी करेगा, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा स्टैंड क्या है? तो हुकूमत स्टैंड ले, क्यों नहीं ले रही हुकूमत? क्यों नहीं दे रही ये बताएं हुकूमत? ईरान आपके साथ खड़े नहीं तो फिर किस बात का स्टैंड ले? यार हुकूमत किस बात पे स्टैंड नहीं ले रही ये तो बताएं आप? किस बात पे नहीं ले रही? ये बात है, किसी बात पे स्टैंड नहीं ले रही? नहीं ले रही, किस बात पे ले रही आप बताएं? आप खुद ही तो कहते हो कि मुसलमान। नहीं बताएं हुकूमत किस बात पे स्टैंड ले? आप गवर्नमेंट से इजाजत लेके दे हमें, आप करो ना अपील। मैं तो क्या, पूरा पाकिस्तान जाने के लिए रेडी है, आपको भी इस चीज का इल्म होगा, पूरा पाकिस्तान जाने के लिए रेडी है, ठीक है? ले गवर्नमेंट से इजाजत लेके दे, कोई लेके दे, आप अपील करो। अपील कर रहे हैं आपके सामने, ओपन अपील कर रहे हैं, ओपन अपील है, खुलवाएं रास्ते, इजाजत दे हमें। चलो फलस्तीन छोड़ो, ईरान पे अगर अटैक हो जाता है तो क्या करोगे? ईरान पे अटैक हो जाता है तो क्या करोगे? इसराइल 24 घंटे में ईरान पे अटैक करेगा, क्या जो भी हो जाएगा, ठीक है ना? शहीद हो जाएंगे और क्या होगा इसके लिए? इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? ठीक है, बस शहादत है इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, कुछ नहीं है। करते हैं हम शहादत की मौत, इस्लाम के लिए मरने के लिए रेडी हम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा क्या चाहती आप भाई? बात ये है कि खत्ते के अमन को खतरा है, हमें इस वक्त एक पढ़े लिखे इंसान क्यों होते, हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, दुनिया को क्या पैगाम देना चाहिए? पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए साथ फलस्तीन के साथ, पाकिस्तान ने अभी तक तो नहीं साथ होना चाहिए। अंकल आप इधर आए, उधर से क्यों गुस्सा हो रहे हैं, दिखाओ जरा उन्हें। हेलो देखिए, ये सिर्फ जज्बाती बयानबाजी है, जब फलस्तीन आए तो फिर पता चलेगा हिम्मत किस में है, ठीक है? ये तो बाद में पता चलेगा ना। देखिए जाने के लिए कोई रास्ता तो हमें बताएं, बच्चे मर रहे हैं भूखे, उनको कुछ नहीं खाने पीने, और इधर हम ईदें मना रहे हैं, दावतें कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हमारे बहन भाई हैं वो, तो हमें कुछ उनके लिए सोचना चाहिए। और सुने, ने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया और हाँ शेयर भी नहीं किया, और सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए हो, है ना? जल्दी से करो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट में फिजा को पहलते हुए जरूर जाना। okay. आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और तकरीबन यहाँ पर जो है ना टाइटल तो ये था हाउ पाकिस्तानी मदरसा स्टूडेंट्स आर, लेकिन यहाँ पर तकरीबन वुमेन के ऊपर ही बात हुई है, तो मेरे ख्याल से उसी के ऊपर बात करेंगे। मदरसा स्टूडेंट कैसे हैं, या जाहिर सी बात है जिस तरीके की वो बात करेंगे फिर सब लोग उनको यही कहेंगे कि मदरसे में इसी टाइप की एजुकेशन दी जाती है। जहां तक रही बात वुमेन की, तो मैं इस्लाम से स्टार्ट करूंगी। इस्लाम में वाकई औरतों का बहुत बुलंद दर्जा उनको दिया गया, जैसे ये भाई साहब भी कह रहे थे कि इस्लाम में औरतों का बड़ा बुलंद मकाम है, और आइए आपको दिखाते हैं कि ये हालात है औरतों के। तो ये हालात जो है ये लोगों ने बनाए हुए हैं, इस्लाम ने ये नहीं कहा कि औरतों के साथ इस किस्म का सलूक करो। रही बात दुपट्टा लेने की या ना लेने की, या अबाया पहनने की, या बुरका जो भी आप कह लो,
तो वो जिस टाइप का आपका वो कहते हैं ना एटमॉस्फेयर होगा, जैसा आपका आपकी सोसाइटी होगी ना, आपने भी वैसे ही होना है। ये है इस्लामी मुल्क तो फिर चलाए ना यहाँ पर इस्लामी निजाम, तो फिर कोई भी औरत जो है वो ऐसे ड्रेस नहीं पहनेगी बगैर दुपट्टे के नहीं निकलेगी, ऐसे नहीं होता ना। ये सोसाइटी के ऊपर भी बेस्ड होता है कि आपकी सोसाइटी में जो है वो क्या चीज है। कुछ लोग जो होते हैं वो चलते हैं पूरे इस्लामी तरीके से चलते हैं कि नहीं भी हमने पूरा अबाया पहनना है और हमारे जिस्म का कोई हिस्सा नजर नहीं आना चाहिए। वैसे रही बात अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना, क्योंकि अगर हम इस्लाम के अकॉर्डिंग जाए ना तो फिर वो बात बहुत गहरी और किसी गलत एंगल में चली जाएगी, क्योंकि इस्लाम के की भी जो बात है ना हमें थ्रू मौलवियों के पता चलती है, वो भी बहुत तब्दील करके और चेंज करके जो है ना ये पता चलती है। इस्लाम के अकॉर्डिंग ये है कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा नजर नहीं आना चाहिए औरतों का, क्योंकि औरत जो है ना वो एक वो कहते ना एक बड़ी नाजुक सी और वो चीज एक चीज कह लो या एक वो कह लो कि जैसे क्या मैं इसको कैसे एग्जांपल दूं कि जैसे किसी जैसे कीमती मोती नहीं होता। हाँ, वैसे अल्लाह ताला ने दिया कि कीमती मोती हाँ, का बड़ा छुपा के रखते हो, अगर वो आपको सामने वो अगर कुछ ऐसे नजर आएगी तो उसके ऊपर सब जो है ना वो चीले झपटेंगी और ये मतलब वो होगा, और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल जो है ना वो मिलती भी है। अच्छा, काफी सेंसिटिव सा टॉपिक है इसलिए मुझे बोलते हुए भी थोड़ा जो है ना मैं वो कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग जो है ना पर्दा यही है कि आपकी नजर का पर्दा होना चाहिए, आपके जो है वो जिस्म का पर्दा भी लाजमी होना चाहिए, ये भी मैं इसको भी मैं एडमिट करती हूँ। आपके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नजर नहीं आना चाहिए जो कि ना आने वाला हो, जैसे आजकल बहुत ऐसे हो रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत ऐसे हो रहा है, पूरी शलवार कमीज जैसे हमारा ड्रेस है कौमी ड्रेस भी है, और इस्लाम के अकॉर्डिंग भी यही है कि आपका जिस्म पूरा छुपा होना चाहिए, तो शलवार कमीज में आपका जिस्म पूरा छुपा होता है। रही बात जीन्स और शर्ट की, उसमें भी आपका जिस्म पूरा छुपा होता है, बात सिर्फ जिस्म के छुपाने की है, वो फिर वही बात कि आपकी सोसाइटी है कि आपके जैसे ये नायला या शायला जो भी इनका नाम है, जो जैसे इन्होंने बोला कि आप जो है मदरसा से पढ़ के आए हो या आपका आपकी ब्रॉटअप है और मैं जैसे हूँ, ये मेरी ब्रॉटअप है, मेरे घर वाले जो है वो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तो सही है, जाहिर सी बात है जो जिनकी सोसाइटी जैसी होगी जिनका ब्रॉटअप वैसा होगा, मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है उसका भी, कोई ऐसा उसने वल्गर और ड्रेस पहना नहीं था कि सिर्फ दुपट्टे के ऊपर बाकी वही बात के वो क्यों इस्लाम आ जाता है, सिर्फ दुपट्टे की जो दुपट्टा नहीं पहना ये इस्लाम से इसको खारिज कर दिया। इस चीज के मैं भी अगेंस्ट हूँ, इस्लाम ने इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई जितनी आप लोगों ने लगा दी है। औरत जो है ना वो कहते हैं कि अगर पूरा उसने अबाया पहना होगा ना, वो बेशक कितने भी अंदर अबाये के अंदर कोई गंदे काम कर रही होगी, लोग कहेंगे यार कितनी अच्छी शरीफ है, लेकिन अगर किसी ने दुपट्टा नहीं लिया वह बाल उसके खुले हैं ना, बेशक उसने ढका छुपा लिबास ही पहना है, बस उसने दुपट्टा नहीं लिया या चलो जीन्स शर्ट लगा लो, लोगों ने कहना यार इसको देखो कितनी वल्गर लड़की है। तो ये जो है ना ये आप उसके उनके अंदर का जमीर देखो, उनके अंदर की शख्सियत को आप जानो, ये ना देखो कि उनकी जारी शख्सियत को देखकर आप अंदाजे लगा लो कि यार ये ऐसी है वो वैसी है। रही बात औरतों की, इस्लाम में औरतों की बहुत इज्जत है, ये माशरे के ऊपर ही डिपेंड करता है कि इन्होंने जो चीज बना दिया वह उनको एक वो कहते हैं ना कि पाओ की जूती समझना शुरू कर दी। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, आप थोड़ा सा अपना नॉलेज जो है ना वो बेहतर करें। और रही बात ये जो पेलने शेलने वाली, मुझे इनकी वैसे ये चीजें अच्छी नहीं लगती, लैंग्वेज जो आखिर में बोलते हैं आखिर में जो ये लैंग्वेज है। बाकी जो भी है पाकिस्तान के ऊपर अगर बात है, जो भी आए, अगर जैसे इंडिया की बात ये कर रहे थे कि भाई अपना नॉलेज संभालो, ये कैसी औरत बात कर रही है कि इंडिया में ये हो रहा है वो हो रहा है, इंडिया में चुनाव जो है वो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग होता है, बहुत अच्छी बात है डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन हर फिर वही बात के इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, तो ये नहीं होता कि आपने किसी का मुंह नहीं पकड़ लेना होता, हर किसी की अपनी अपना मुंह अपनी जुबान है, उसने जैसे भी किसी तरीके से बोलना है वो उसकी अपनी मर्जी है, तो हम लोग ये नहीं किसी को कह सकते कि यार तुम पाकिस्तान के बारे में जुबान संभाल के बात करो, पाकिस्तान ये बात थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्राउड से थोड़ा सा नीचे भी आना चाहिए, ये मैंने अक्सर लोगों को देखा है स्पेशली इंडिया से, ठीक है वो प्रोग्रेस कर रहा है बहुत अच्छी बात है हम लोग भी खुश होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि थोड़ा प्राउड ही कम होना चाहिए, मैं यही बोलूंगी। अच्छा आजकल ना इस किस्म का दौर हो गया कि हम लोग ना वो कहते हैं ना कि उनके लिबास से जो है वो लोगों को पहचानते हैं, अगर उसने शलवार कमीज पहनी है और दुपट्टा ऐसे गले में लिया है तो हम कहेंगे नहीं जी ये तो बड़ी खराब लड़की है। अभी जैसे इस वीडियो में शायला ने भी जो है वो दुपट्टा लिया हुआ था लेकिन एक साइड पे लिया हुआ था, बस फर्क ये था कि उसने दुपट्टा सर पे नहीं लिया था, अगर सर पे दुपट्टा ले लो तो इसका मतलब मैं बहुत पाकीजा लड़की हूँ, मेरे जितना कोई अच्छा कोई है ही नहीं है, और अगर ऐसे गले में ले लिया तो मेरे जितना खराब इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इसमें जो है ना हमें इस वीडियो में जो जैसे वो मदरसे का लड़का था उसकी सोच और एक आम इंसान की सोच में जो है ना खास फर्क दिखता है, जैसे वो मदरसे में पढ़ा हुआ था उसका था कि जी तुम अपनी चादर जो है उसके सर पे उड़ा रहे हो, सबसे पहले अगर तुम मदरसे में पढ़े हो
तुम्हें तो यही जैसे शायला भी कह रही थी कि भाई तुम्हारा हक कैसे हुआ कि तुम मुझे टच करो, वैसे तुम मेरी अपनी चादर मेरे सर पे जो है वो उड़ा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई हक ही नहीं है कि तुम किसी नामहरम को जो तुम्हारा ब्लड रिलेशन भी नहीं है उसको टच करने का। सबसे पहले तो तुम्हारी यही पे तुम्हारी मदरसे की फिर क्या तालीम है ना, बता नहीं क्या सीखता रहे मदरसे से। और मैं कहूंगी जैसे शायला ने कहा कि भाई तुम्हारा ब्रॉटअप तुम्हारे घर की पहनती होगी हिजाब वगैरह, अब उसके घर वाले उसको परमिशन दिया है कि भाई तुम ऐसे फिरो, तो उसमें मेरे से किसी को भी कोई हक नहीं होना चाहिए कि वो उसके ऊपर उंगली उठाए कि भाई तुम अगर मेरे घर की खवातीन हिजाब कर रही है तो तुम भी हिजाब करो। अब आप शहरों में हिसाब लगा लो ना, जैसे हम लोग भी इधर शहर में रहते हैं, हम लोग ऐसे भी दुपट्टा लिया होता है, अगर बाहर जाते हैं तो हम लोग भी लाजमी सर पे दुपट्टा लेते हैं, लेकिन अगर आप विलेज साइड पे ले लो चले जाओ ना, उनकी छोटी छोटी बच्चियों ने भी जो है ना 24 घंटे सर के ऊपर दुपट्टा लिया होता है। अगर आप बलोचिस्तान वाली साइड पे चले जाओ तो वो टोपी वाले उन्होंने बुरके पहने होते हैं। मतलब हर एक रीजन का जो है ना अपना वो कल्चर होता है, वो उस लिहाज से जो है वो खवातीन जो है रहती है। तो अब ये नहीं है कि वो टोपी वाला बुरका पहन लिया तो वो बहुत पाकीज है, और जो अगर कोई शहर में लड़की है उसने जीन्स पैंट पहनी हुई है और साथ में अगर दुपट्टा लिया हुआ है गले में लिया हुआ तो बहुत खराब है। अगर सर पे जीन्स पैंट के साथ उसने सर पे भी दुपट्टा लिया होगा ना तो लोग कहेंगे हाँ इस जितनी शरीफ जो है वो कोई नहीं है। और कुरान में भी जो है ना सबसे पहले बंदे की जो है ना नजर का पर्दा का कहा गया, बाद में औरत के पर्दे के हुक्म आया हुआ है कि बंदा सबसे पहले अपनी नजर का पर्दा करे, और फिर खवातीन के लिए कि वो मतलब इतना ढीला ढाला लिबास पहने कि जो उनके प्राइवेट पार्ट्स है वो मतलब साफ नुमाया ना हो, क्योंकि फिर बंदा जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये भी अल्लाह ताला ने कुछ सोच समझ के कहा होगा। और जहां तक इस्लाम में खवातीन की आजादी का है, मतलब इसमें खासे हर तरह के ज्यादातर हकूक जो है वो खवातीन को मिले हुए हैं, लेकिन फिर वही बात है आप लोगों ने कमेंट में आके कहना कि खवातीन को आजादी है ही नहीं है, उनके साथ ये है तो वो है, बहुत सारी फिर हजरत आयशा की जो है ना वो एग्जाम्पल्स आएंगी कि हजरत आयशा के साथ ये वो है वो है, लेकिन भारत वीडियो जो है वो अच्छी थी। और जहां तक फलस्तीन की बात है, यहाँ हर दूसरे बंदे से कहो कि जी आप फलस्तीन का साथ दो तो वो कहेंगे जी हाँ हम फलस्तीन का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत हमें जो है वो इजाजत नहीं दे रही। जैसे ये बंदा भी कह रहा था कि आप जिम्मेदारी ले हम चले जाते, भाई वो क्यों जिम्मेदारी दे, तुम्हारे अंदर अगर इतना वो कहते हैं ना जोश है फलस्तीन के लिए लड़ने का तो जाओ जाके वो पीएम हाउस के बाहर खड़े हो जाके जी मुझे भेजो फलस्तीन। अभी कश्मीर के साथ कुछ ऐसा हो रहा हो ना तो ये बॉर्डर खुद ही क्रॉस करके चले जाएं। अच्छा हाँ कश्मीर के लिए तो बहुत दिल धड़कता है इनका, इनका फलस्तीन के लिए भी बहुत धड़क रहा है, इनको बॉर्डर पे भेज देना चाहिए। सो क्या ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।